हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब थिंकिंग चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है हाँ दो तीन दिन से मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे इसका मतलब ये नहीं था मैं आलस कर रहा था यार देखो क्रोमेटोग्राफी सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी थी तो आई वाज थिंकिंग कि यार नई सीरीज स्टार्ट करने से पहले बेसिक उसके क्लियर कर देते मतलब जो भी चीज है।, है बाकी यार चीजें तुम समझ जाते हो पर पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए ताकि हम चीजें सीखें ना कि कहीं जाके लिखना है या फिर कुछ नंबर पाने हैं या फिर किसी को इम्प्रेस करना नो no. फर्स्टली यार हमें इस चीज के लिए श्योर होना चाहिए कि हमें करना क्या है सो so, ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ हाँ क्रोमेटोग्राफी सीरीज जिसने नहीं देखी है या फिर जो भी नया सब्सक्राइबर है आप प्लीज उसे देख सकते हैं ये कोई भी ऐसा नहीं है कि यार मतलब आप आपको लिखना है या फिर आपके एग्जाम में आएगा तो ही आप पढ़े नहीं ये बहुत बेसिक मेंटेलिटी होती है आपको इसको छोड़ना पड़ेगा अपने आप को सब्जेक्ट्स में डिवाइड मत करो कि यार मैं मैथ वाला हूँ वाला हूँ या फिर मैं ये सिर्फ फाइनेंस वाला हूँ नहीं है आप सब कुछ सीखने के लिए बने ठीक है तो आप जो भी अच्छी चीज आपको ऐसे लगती है जो आपको आप में वैल्यू डालती है या फिर आपको क्यूरियस बनाती है आप उसको सीख सकते हैं मेरो क्यूरियस बनाती है दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ दिस वीडियो नॉट भाग होगा पाठ होगा वो होने वाली है लाइट तो लाइट के बारे में मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं वट इज लाइट अगर मैं कहूं लाइट तो आपके मन में क्या होता है लाइट की जैसे ही हम सोचते हैं ना मतलब सुनते हैं कोई वर्ड तो हमें लगता है लाइट मतलब वो भी चीजें जो हम देख सकते हैं जो भी कलर होते हैं तो क्या मतलब ये ट्रू है नहीं ये सिर्फ इतना ही ट्रू नहीं है लाइट सब कुछ होती है हम सिर्फ उस चीज को इसीलिए इमेजिन कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो आंखें हैं इवोल्यूशन के कारण वो सिर्फ इतनी ही मतलब उनके पास इतनी नहीं मतलब बहुत ज्यादा है सेंसिटिव पर वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कलर के लिए मतलब सेंसिटिव होती है जो आपको पूरा स्पेक्ट्रम होता है ठीक है, है।, तो मतलब है, है तो हमें सिर्फ वो कलर वाली जो स्पेक्ट्रम होता है ना वो हम देख पाते आ, किसी भी लाइट सोर्स से लाइक सन है तो सन में सिर्फ वो सात कलर नहीं होते है, होती है गामा रहे होते हैं और वेव होती है ये तुम्हारी रेडियो वेव्स है माइक्रोवेव्स है राडार वाली है तो बहुत सारी चीजें होती हैं हम सिर्फ लाइट उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे बाकी जो लाइट है वो भी पढ़ेंगे ठीक है तो लेट्स टॉक अबाउट लाइट अच्छा हमने पढ़ा है कि लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और दोनों साथ साथ है ये नहीं की पांच सेकंड तक इलेक्ट्रिकल रहा पांच सेकंड तक वो मैग्नेटिक नहीं है एक साथ एक ही वक्त पे वो रहते हैं और हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं मतलब 90 डिग्री के उसमें वो हमेशा वर्क करते हैं लाइक ये देखो जो आपका नीला वाला है ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे 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 जा रहा है ठीक है और उसके नाइनटी डिग्री पे देखो ये देखो ये है क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेट जो होते हैं वो इंटर वाले होते हैं मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं जैसे इंडस्ट्री होती है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहां जो बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं क्या लगता है नेचर बनाती है नेचर नहीं बनाती इतने नेचुरल मैग्नेट होते हैं जो ये मैग्नेट बनाते हैं इंडस्ट्री में वो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट मैग्नेटिज्म वो करते हैं प्रोड्यूस करते हैं जितनी हमें जरूरत होती है और जैसे ही स्विच बंद कर दो मैग्नेटिक इफेक्ट चला जाता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का ऐसे ही हम मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं जैसे जो टरबाइन के थ्रू कहते हैं ना कि पानी गर्म करते हैं कोयले से बनाते हैं तो कोयला क्या करता है कोयला पानी को गर्म करता है फिर वो क्या होता है स्टीम बनती है स्टीम जाती है टर्बाइन पे टर्बाइन को घुमाती है उसमें लगे जाता है मैग्नेट जो क्या करते हैं एक्सेस पे घूमते हैं और वहां होता है क्या इंडक्शन प्रेरण उस इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो मैग्नेट के कारण होती है ठीक है भाप से होता ना तो मैं घर पे बना रहा होता अभी इलेक्ट्रिसिटी और बांट रहा होता मोहल्ले में आठ रुपए यूनिट के हिसाब से तो ऐसा नहीं होता मैग्नेट जो होते हैं ना तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनते हैं एक दूसरे के पूरक है ठीक है तो मैंने बताया था कि जो लाइट होती है जो सनलाइट होती है बेसिकली उसमें ये सारी लाइट वो कंक्लूड करती है गामा रेज एक्स रेज रडार इंफ्राटारेब्स इन सब के अपने अपने यूज हैं ठीक है जो ये स्पेक्ट्रम होता है ये स्पेक्ट्रम इसकी डिस्कवरी जो थी मतलब देखते हैं सब कोई थे सोचता कोई कोई था न्यूटन ने सोचा उसके बारे में कि है क्या ये ये जो कलर आ रहे हैं सात तरह के बोरिंग नेचर के थे भाई मैं सीधे सीधे बता दूं मस्त मौला इंसान इतना ज्यादा नहीं सोचता

कोई भी माध्यम से पास कर आओ ना तो इस तरह का बनता है ठीक है स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम नाम पढ़ना भी ऐसा था लैटिन ले, लैटिन जो था भाषा थी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग था स्पेक्ट्रम को बेसिकली घोसाड़ो प्रेत की छाया ये सब बोला जाता था तो उसके अकॉर्डिंगली बनाया गया ठीक है लाइक आप देख लो लैटिन का ही एक वर्ड है इंफ्रा इंफ्रा यानी नीचे तो रेड के नीचे है तो इन्फ्रा है अल्ट्रा यानी सुपीरियर तो वायलेट के ऊपर है तो अल्ट्रा वायलेट है तो ये चीजें हैं जो तो ये सारी चीजें ऐसे डिस्कवर हुई थी बाद में मतलब ये काफी कहानियां हैं अगर सुनाने बैठे तो यार घंटे भर का वीडियो बन जाएगा तो जो हम कर नहीं सकते हैं तो ये सारी चीजें अब कंटेन करते हैं सारी लाइट्स कंटेन करता है ठीक है चलो जो भी ये रेडिएशन होते हैं उनके अलग अलग सोर्स होते हैं अलग अलग यूज होते हैं गामा रेज हैं इनसे आप कैंसर की सेल्स को किल कर सकते क्योंकि ये कैंसर के सेल को बनाती भी है क्या होती है इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है जिसकी भी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी पावर भी बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा एनर्जी कंटेन करती है तो ये क्या होता है इतनी ज्यादा एनर्जी कंटेन करती है और इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है और इतनी छोटी वेवलेंथ होती है ना कि पेनेंट्रेट कर जाती है किसी भी चीज को आपकी बॉडी को आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल को सेल्स को अंदर डीएनए को आर को क्रोमोसोम्स को प्रोटीन के मॉलिक्यूल को सब को और जहां ही ये पेनट्रेट करके अंदर पहुंचते हैं वहां टकराते हैं अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं तो उनके नॉर्मल फंक्शन में चेंजेस आते हैं जो ये ये तीन महान कड़िया है ना गामा रेज एक्स रेज अल्ट्राइलेट ये हार्मफुल होती हैं पर अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये यूजफुल भी होती हैं विजुअल लाइट हम देख सकते हैं लाइट के कारण हम चीजों को देखते हैं पर वो अच्छी हैं या बुरी हैं ये अपने माइंड सेट के कारण देखते हैं जैसी तुम्हारी सोच रहेगी वैसी चीजें दिखेंगी और चीजें दिखेंगी

इसका यूज करते हैं सिकाई उकाई का चीज बनाने में माइक्रोवेव खाना वाना बनाने में और बाकी जो बड़ी वेवलेंथ की बड़ी वेवलेंथ मतलब ऐसी होती है किलोमीटर भर की होती है हजार मीटर दो हजार मीटर काफी बड़ी बड़ी होती है तो इतनी लंबी होती है ट्रेवल कर सकती है इसलिए इनका यूज करते हैं कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इन सारी चीजों में ओके अगर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेव की प्रॉपर्टीज होंगे कैरेक्टर होंगे कैसे वेवलेंथ लेंथ फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी वेवलेंथ क्या होता है जैसे ये दो पॉइंट है ठीक है कोई भी दो पॉइंट एग्जैक्ट दूरी पे होते हैं तो वो जो पूरी डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ कहलाती है हाँ इसको लेमिडर से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में मतलब जो वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने बार पास हो जाए ठीक है या फिर ये वेव को कवर कर ले जितने ही जितने कम वक्त में वही उसका फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत जल्दी 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 जल्द, जल्द, पास होगी तो यहाँ बस कुछ देखा देखा सा लग सकता है यार कि देखो वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस है दूरी है फ्रिक्वेंसी जो है सेकेंड है टाइम है तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस और टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वेटी मिलती है तो ये हो यार बेसिक फिजिक्स है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इज इक्वल टू वेलोसिटी वेलोसिटी दैट द और स्पीड ऑफ लाइट ठीक है ऐसे हम पता कर सकते हैं अच्छा लाइट का यूज करके जैसे मैंने सन बताया सन सोर्स है ठीक है लाइट का पर यार आपने बहुत बार सुना होगा कि उस ग्रह में पानी पाया गया उस ग्रह में ऑक्सीजन पाई गई या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है हीलियम पाया जाता है तो हाउ हाउ इट इज पॉसिबल कैसे क्या एस्ट्रोनॉमर थे वहां जाते थे क्या पता करने है? कैसे पता करेंगे भाई निपट जाएंगे वो तो गर्म इतना होता है कैसे पता करते हैं हर एक जो प्योर सब्सटेंस होता है जैसे पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने एलिमेंट है हर एक का स्पेक्ट्रम यूनिक होगा स्पेक्ट्रम जरूरी नहीं इसी तरह का पूरा कलर बहुत कलरफुल हो क्या पता कोई सिर्फ नीला कलर निकाल रहा हो कोई सिर्फ वॉयलेट बना रहा हो कोई सिर्फ, सिर्फ येलो तो हर एक एलिमेंट का एक खुद का पर्टिकुलर यूनिक सोर्स होता है यूनिक स्पेक्ट्रम पैटर्न होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी चीज को गर्म करेंगे ना तो स्पेक्ट्रम देगा तो हम पता कर सकते हैं कि, कि किसी दूर रहने वाली चीज पे या तारे पे कौन सी गैस है किसी दूर ग्रह पे जो अपने तारे के बहुत पास है और गर्म है तो हमें पत, पता चल जाएगा कि उसमें कौन सी कौन कौन सी प्रेजेंट है, है। विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम देख लो यार यहाँ पास ये लगभग 400 नैनोमीटर से 700-800 नैनोमीटर के करीब का होता है अंदर तक फिर उसके पहले आती है यूवी और उसके बाद आती है इंफ्रारेड अच्छा जो ये स्पेक्ट्रम होता है जैसे मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम होता है तो स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं वैसे स्पेक्ट्रम एक पूरा होता है पर जब कोई पार्टिकल वहां प्रेजेंट होता है तो दो तरह की चीजें कर सकता है या तो एब्जॉर्प्शन करेगा या तो इमिशन करेगा एब्जॉर्प्शन कब करेगा जब वो अपने नॉर्मल स्टेट पे होगा यानी ठंडा जब होगा जैसे आप क्या कर रहे हो ये देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है सन का ठीक है लाइट गई पूरा कुछ भी दाग धब्बे कुछ नहीं है अब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का दिखा रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कोल्ड गैस है ठंडी गैस है वहां से कोई लाइट गुजरेगी लाइक सूर्य देख लो अपना सन है उसके बीच में अगर बादल आ जाए तो बादल क्या करेंगे कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो हमें जो ये चीज स्पेक्ट्रम मिलेंगी है स्पॉटेड लाइन होंगी डार्क लाइन अच्छा इन डार्क लाइन को बाद में बताता हूँ क्या कहते हैं तो इस तरह का आता है एब्जॉर्बन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है ये इस गैस ने जो जो एब्जॉर्ब की वो वो यहाँ से एब्सेंस हो जाएंगी तो जो इसका बैकग्राउंड होता है वो पूरा कलरफुल होता है ये देखो ब्राइट है और यहाँ पास डार्क लाइन प्रेजेंट होती हैं जो एब्जॉर्ब की गई हैं अब अगर इसी गैस को हम लेके यहाँ पास गर्म कर देना और फिर इसको पास करें तो जो जो इसने कलर एब्जॉर्ब किए थे जिन जिन लाइन को वही इमिट कर देंगे ठीक है? है।, तो है, है? है, है और जो जो एब्जॉर्ब की थी अपने ठंडे स्टेट पे वही वही वो क्या कर देती है इमिट कर देती है तो उस उस चीज की ब्राइट लाइन यहाँ प्रोड्यूस हो जाती है जब आप यूवी और आई आर ये सब करोगे ना तो इसमें पता चलेगा कैसे बनता है स्पेक्ट्रम अच्छा ये जो ये डार्क लाइन आई है ना ये सूर्य की जो सन का स्पेक्ट्रम होता है सनलाइट उसमें प्रेजेंट होती है तो जब पहली बार इसको उनने देखा एक साइंटिस्ट थे जोसेफ वॉन वोफर उनने देखा तो उन पता किया कि ये है क्या यार अगर लाइट आ रही है तो कंटिन्यूस होनी चाहिए इसमें ये ब्लैक ब्लैक चीजें क्यों है ब्लैक लाइन क्यों प्रेजेंट है तो काफी समय के बाद जब ये इस, ए, इसको अच्छे से सर्च किया गया तो इन्हें पता चला कि ये जो लाइने हैं वहां जो एलिमेंट प्रेजेंट है सन पे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस उस पर्टिकुलर कलर को दैट्स व्हाई दीज आर प्रेजेंट इन स्पेक्ट्रम उन लाइन को जो ये डार्क डार्क लाइन बनती हैं फों हॉफर लाइंस कहते हैं उनके सम्मान पे रखा गया था ठीक है तो ये मैंने सब कुछ बता दिया बेसिक चीज आगे जब मैं स्टार्ट करूंगा जो नई सीरीज पूरी तो उसमें हम अच्छे से डिस्कवर वो बातें करेंगे क्या कैसे डिस्कवर होता है कैसे चीजें बनती हैं क्या क्या यूजेस होते हैं एप्लीकेशन जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप पता कर सकते हो कोई एलिमेंट कौन सा है इसमें क्योंकि हर एक का यूनिक होता है ठीक है तो आप पता कर सकते हो कौन सा एलिमेंट है या कौन सा कंपाउंड है ये आप पता कर सकते हो उससे एप्लीकेशन से यहाँ तक आपने देखा है बहुत बहुत थैंक यू आपका अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक करिए शेयर करिए दूसरों को भी बताइए और अपना ख्याल रखिए जल्दी मिलते हैं थैंक यू